मेरी यूट्यूब फैमिली, चले आए आज हमारे साथ मज़ेदार सा स्प्रिंग रोस्ट की रेसिपी आपको शेयर करने लगे हैं, वो इंजॉय करें। ये अभी मैंने इनको धो लिया, धो के नमक और सिरके से धोया, उसके बाद फ्राई करने रख दिया। ये फ्राई हो गया, ये हमारा बना है पास्ता जो कि सैली ने बनाया, मैंने नहीं बनाया। और ये हम करेंगे आज दो, और आज चीज़ा भी जाएंगे वो भी दिखाएंगे। मैंने आज हमारे साथ जुड़े रहे और हमारी रेसिपी देखी, और ये देखें इसमें मैंने ये सारा मैरिनेट करने के लिए मैंने इसमें डाला लहसुन सिरका और ना थोड़ी सी ना वो है ये क्या ब्लैकबेरी क्या कहते हैं सोया सॉस। हाँ, और ये है जी सारा, ये दो प्याली है दही जिसमें मैंने चार रेड चिली, दो चिली फ्लेक्स, एक कश्मीरी मिर्च, चाट मसाला, तिक्का मसाला, नमक, और इसमें मैंने वो डाला लेमन जूस। और ये सारा मैं मैरिनेट करूँगी, और ये तीन चिकन बनेंगे जो कि मैं आज आपको ये अगर किसी को इसकी कंप्लीट रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट करें, फिर मैं आपको कंप्लीट वो उसके सारे मसालों का बताऊँगी। चले आज की कलर चेंज हो जाए और इसका लाइट ब्राउन हो जाए तो फिर आपको मैं इसको ठंडा करके मसाला लगाऊंगी, और ये ओवर नाइट में रखूँगी, ओवर नाइट रखूँगी, कल इनको क्लीन करूँगी, फिर आपको लगाना ठंडा करके लगाते हैं। ये ठंडा हो गया, ये रह गया, आप भी देख लो फिर ना कभी बनाना है आपको यूट्यूब खोल लेंगे। नहीं, आप अपने तरीके से देखोगे, मेरा अपना तरीका आपका अपना तरीका मेरा अपना तरीका। ये देखो अब ये देखो, ये देखिए ये ऐसे ना मैंने फ्राई कर दिया, कलर चेंज हो गया ना, ये फ्राई हो गए हैं, ये स्टीम के लिए। और ये सारा मसाला का मैंने बताना भूल गया कि एक अंडा भी डालते हैं और थोड़ी सी कॉर्नफ्लोर भी डालते हैं इसमें, और ऑयल भी डालते हैं। अंडा वैसे इन्होंने वही दही के जो बकेट है उसके अंदर ही शुरू कर दिया सारा, बर्तन भरू कर नहीं है। ये देखो आगे धो के सारी किया, क्लीन किया, लेकिन मौसम काफ़ी बेहतर हो गया, व्यूअर्स आप भी हमें अप्रिशिएट किया करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें। अभी एक हो रहा है और ये हम आपको वाल बताएंगे ये किसके लिए था। हाँ, वैसे तो हम खुद ही निमान होते हैं। हाँ, अपने हमारे बच्चे खुद ही निमान होते हैं, पूछ के दादो आज क्या बना है, होते हैं कबाब चाहिए होते हैं, उन्हें रोस्ट चाहिए होता है, बड़ा कुछ चाहिए होता है, और मांस चाइनीज चीज़ें चाहिए होती हैं। पीजे आज बनाएगी सारी, पिज्जा बनाएगी, अभी बनाती हूँ ना, आइजा को लेके खड़ी होती हूँ यहाँ बनाती हूँ। चलिए आए व्यूअर्स, ये देखें जो मैंने मैरिनेट करने लगी हूँ, और ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, ये जो इसके है ना सारे गैप, इसमें आपने अच्छी तरह ना इसको मसाले को करना है। आपने कट्स लगाया था? हाँ, कट्स लगा के तो मैंने फ्राई किया ना, फ्राई करके तो फिर इसमें मसाला अपना ये ओवर नाइट रखेंगे। अगर ओवर नाइट का टाइम नहीं है आपके पास तो फिर कम से कम 4-5 घंटे, चाय भी तो हम वो भी नहीं चाहते अभी नहीं, अगर खुद करना हुआ तो कर सकते हैं, कम से कम 2 घंटे मसाला जाना चाहिए, कम से कम 2 घंटे, अगर बहुत जल्दी है तो 1 घंटा भी कर लें, लेकिन अगर आप ज़्यादा अच्छा के ओवरनाइट लगा के रखें। ये देखें अल्लाह की शान, देखिए कौन कौन सी मेहनतों को जुटलाए गए अल्लाह ने हमारे लिए, क्या क्या खाने की चीज़ें बना के रखी हुई हैं, और हम ये भी, हाँ ये जितना हो सके इसके अंदर, ये देखो इसके अंदर मसाला रचना चाहिए, वो ये एक किस्म का ये हाफ डन हो गया हुआ है, हाफ डन हो गया हुआ है, ये जब मैं स्टीम करूँगी ना फिर थोड़ा मसाला ऊपर डालूंगी, फिर वो अच्छा सा हो जाएगा। चलें व्यूअर्स, आप भी हमारे साथ बने रहिए और स्टीम रोस्ट को एंजॉय कीजिए, और हमारी वीडियो शेयर की, टिकटॉक पे भी जाएं, इंस्टाग्राम पे भी जाएं, आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलेंगी, और जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह जज़ाकअल्लाह उनको इस चीज़ की अजर दे। और आप हमें अच्छे अच्छे मशवरे देते रहें, हम आपके मशवरों पे चलते रहेंगे। चले आज हमारे साथ खाएंगे कल, आज अगर कोई बच्चों ने कह दिया तो बीच में से कर लेंगे, नहीं तो ये वैसे कल की तैयारी है, कल के लिए, कल फ्राइडे है इधर दुबई में, तो फिर हम कल फ्राइडे को सारे अपने मिल के बच्चों के साथ डिनर करते हैं और इंजॉय करते हैं। ओके, ये जी हमारा पिज्ज़ा हो रहा है, होममेड पिज्ज़ा रेडी, और होममेड डो, होममेड एवरीथिंग, होममेड एंड आल्सो द सॉस इज आल्सो होममेड एंड चीज वी जस्ट गेट इट, ठीक है, चीज वी जस्ट गेट इट। ये देखते हैं कितनी जबरदस्त डो बन गई है घर में, होममेड डो। अब हम थोड़ा सा डालेंगे मैदा, we will put mehenda not mehenda, you can tell the recipe, aur ye banayenge hum ball।
उसके बाद मम्मा आपको जैसा पराठा बनाना वैसे बनाना होगा जी। चलो मैं डाल लेता हूँ और वो उसके बाद करते हैं। ये अब मम्मा पिज्जा की शेप बनाएंगी। अब मम्मा गाइस अभी हमारा रेडी हो गया बट ऑलमोस्ट रेडी होने वाला। मम्मा ने वो और इसकी डो बना दी है वो हम थोड़ा सा सेकेंगे और फिर मैं वो डो रख दिया वहाँ पर। अब ये हम थोड़ा सा वेट करेंगे इसलिए ठीक हो इस वक्त ना बने माई बनी हुई है हाँ सामा बने हुए हैं। चले व्यूअर्स आए मजेदार सुन लिया सब लोग ने आपकी बात। चरगा एंजॉय करें मतलब जी क्या चरगा वो ये बनेगा दूसरे तरीके से। ये जो दो है ये बनेंगे स्टीमर में और यहाँ पर हमारी हो रही है पिज्जा बन रेडी। हम आपको साथ साथ दिखाएं आयशा ओ बिस्मिल्लाह ओ बिस्मिल्लाह अब मैं किसी का रखूं कोई है हो गया पिज्जा डो रेडी हो गई है और अब हम लोग केचप डालेंगे बाय बाय। अब आप पिज्जा सॉस जो होममेड है और अभी जब पिज्जा रेडी होगी आपको बताएंगे बाय लगाने लगी हूं मुझे तो होने दो मम्मा मैं लगाऊं एक दफा नहीं मेरी जान अभी मैं चीज डालूंगी चीज लगू मैं सबर 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 वेट अभी हाँ जी जी चले आए व्यूअर्स हमारे साथ आज मजेदार सा अनियन पिज्जा नहीं होममेड पिज्जा चिकन भी डाली हुई है चिकन जैसे टमाटर अभी कैप्सिकम डाले ना ये बना रही है जी मेरी बहू तो उसके आ रही है मैं मूवी बनाती हूँ तो आप चीजें डाल दें और वो जिसको हमने बोला था ना वो निकल गया वो आयशा जी नाराज हो गई उसको तो थोड़ा डांटने की देर होती है थोड़ा थोड़ा डालो ना ज्यादा ना डालो हाँ अभी चीज भी डाल दें ये रिजवान का बन रहा है एक्स्ट्रा चीज डालो नहीं नहीं बहुत है एक्स्ट्रा चढ़गा भी तो बना अभी सारी कर देना अच्छे से कर दे छोटी सी दुनिया को ऊपर यूट्यूब फैमिली आई ये देखें आज हो रही है स्टीम जो कल मैरिनेट करके रखे थे ये चरगे चिकन चिकन चरगों का पता नहीं किसी को पता पाकिस्तानी है ये है जी चिकन मैरिनेट हुआ हुआ ये स्टीम हो रहा है इसके साथ टमाटर भी डाले हैं टमाटर भी डाला अभी हरी मिर्च डालूंगी ग्रीन वो ग्रीन चिली और अब अभी इसको हो गया 10 मिनट एक साइड को 10-15 मिनट एक साइड को 10-15 मिनट है कि इसके नीचे मैंने पानी में डाली बादे खटाई लौंग दालचीनी और वो लेमन उसका जायका सारा इसमें जाएगा और उसमें इसका सूप चला जाएगा वो भी हम जो सूप है ज़ाया नहीं करेंगे उसके राइस बना लेंगे ठीक है। और ये आलू ये क्या ये हो रहे हैं आलू टाटो टाटो कहते हैं ना टाटो बॉइल हो रहे हैं दादो सीधी सारा बंदा है भाई। और ये आज बन रही हैं दही पकौड़ियाँ और अभी रात को डिनर है आज है जी फ्राइडे और आज माशाल्लाह माशाल्लाह और ये इसके ऊपर डालूंगी अनियन अनियन और ये आज हमारी है जी हाफ डिनर की डिशे अभी फुल डिनर की डिशे हम आपको दिखाएंगे अब बाय कर देगी। चले अब ये जरा हो जाए स्टीम फुल डन जी। नानू ये क्या बना है जी ये आज बना है चिकन राइस वाला स्टीम और ये है जी रोटियां ये है दही भल्ले और वो चावल है और एक और हमारी डिश आ रही है चावल अभी है नानो जी। चले आज आए व्यूअर्स हमारे मेरे बच्चों के साथ मेरी फैमिली के साथ एंजॉय करें दुआओं में याद रखें शेयर लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलें। जी ऐसा जरा भी आपके लिए क्या लिख किया है मेरी फेवरेट यस ओके चार से नवा खुली है मतलब मूवी अभी हम करेंगे और दिखाएंगे ओके खान नहीं
सब खा लेते हैं ना, इनको भी बाकी सब बन गया ना यार, प्लेटा दे दियो ना, तेरे लिए भी रख लेना दही पहले थोड़े। ये दो मामू सनी, तूने चावल लेने हैं? इसने कहा था कि वो भी बनाएंगे मामा। मुझे कोई एक बॉल ला दो जिसमें मैं इनके लिए डाल के रख लूंगी। हाँ मैं बर्तन लेके आती हूँ, मैं तो वो बल्ले बनाना, गर्मी बड़ी होती है, मैं पकौड़ियाँ ले आज बहुत हैप्पी है क्योंकि उसकी ज़ारा अभी उसके लिए ये डायमंड आर्ट पेंटिंग लाई है। ज़ारा को बहुत शौक है तो वो बड़ी लेती है, तो आयजा ने कहा था उसको भी करनी है ना, फिर ज़ारा स्पेशली हमने आयजा के रिकॉर्ड नहीं किया रिएक्शन, आयजा बहुत एक्सट्रीम हैप्पी हो गई थी, तो फिर जो लाइट नहीं हो गई ये सारे पर्पल में एक ही वाइट है एक वाइट है। ओके तो ये अब हम आयजा को सिखाने वाले हैं किस तरह से करते हैं, राइट आयजू? आयजा एक्साइटेड है सीखने के लिए, फिर जब आयजा को ये आ जाएगी फिर हम उसको न्यू न्यू ला के दिया करेंगे और वो कंप्लीट करेगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, आयजा को सिखाने की जरूरत ही नहीं पड़ी बिकॉज़ ये मैंने काम ऑलरेडी कर लिया है, मैंने ऑलरेडी अपना मतलब दिखा लिया कि मैं कितनी अच्छी हूं, तो ज़ारा के साथ मैंने किया हुआ है ये। आज ज़रा अपने दो दफ़ा लेके आई हुई है, अब आयजा करेगी और हमें दिखाएगी।